फ्लेवर्स विद शर्मीन। आज की वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही सिंपल और क्विक चिकन नूडल्स की रेसिपी। चिकन चाउमीन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये रेसिपी उससे टोटली डिफरेंट है, बहुत ही जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन नूडल्स। चिकन नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम चिकन, ब्रेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप्स में कटा हुआ। इसे हम मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून सोया सॉस। सारी चीज़ों को चिकन के ऊपर लगा के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। घंटे तक चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था, अब कुकिंग स्टार्ट करेंगे। वोक में गरम कर लेंगे हाई हीट पे 2 टेबलस्पून तेल। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक और 1 टीस्पून क्रश किया हुआ जिंजर। साथ ही डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन और हाई हीट पे 5 से 7 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 8 मिनट तक चिकन को मैंने फ्राई कर लिया, अभी अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। 1 शिमला मिर्च इस तरह से जुलियन में कटी हुई, 1 गाजर जुलियन में कटी हुई, स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट इस तरह से लंबाई में कटा हुआ, थोड़ा सा ग्रीन भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मशरूम, अगर कैबेज ऐड करना चाहें तो कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। लाइटली सौते करेंगे 10 सेकेंड तक। अब इसमें डाल देते हैं बॉईल किए हुए नूडल। 200 ग्राम नूडल्स को मैंने पैकेट पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस जो होती है उसके अकॉर्डिंग बॉईल कर लिया था। अब डालेंगे सॉसेस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून शेजवान चटनी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई, स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट और एन्जॉय करेंगे चिकन नूडल्स।